तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है कि जो हमारा हृदय है, ठीक है, हृदय की अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो हृदय है वो मेनली जो है एक मांस की संरचना बनी हुई है। और यहाँ पर अगर इसका मेन तार की बात करें तो इसका तार होता है, ठीक है, मनुष्य में जो बुद्धि परिसंचरण तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र उसमें जो है मेनली ये करता है, सहायता करता है। अब अगर यहाँ पर देख लें तो अगर इसमें पॉइंट वाइज हम देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, सबसे पहला पॉइंट ये हो जाएगा ये क्या है, केंद्रीय पंपी अंग। अगर हम बात करेंगे केंद्रीय पंपी अंग होता है, यानी पंप की तरह जो है करता है, काम करता है, पंप में हाउस की तरह जो है करता है, कार्य करता है। वहीं पर अगर हम देखेंगे तो अगला जो है यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसमें जो है इसका जो वजन बात करेंगे तो पुरुषों में इसके वजन की अगर हम बात करेंगे तो पुरुषों में इसका जो वजन होता है 300 ग्राम होता है। और वहीं पर अगर हम देखेंगे महिलाओं में तो महिलाओं में जो इसका वजन होता है वो हो जाएगा कितना, ठीक है, 250 ग्राम। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या है, ये मांसल संरचना है, ठीक है, मांसल संरचना की अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो ये कैसी संरचना है, मांसल और शंकुआकार, ठीक है, मांसल और शंकुआकार, शंकुआकार क्या है, संरचना है, ये आपको याद रखना है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो अगला फैक्ट हमें याद रखना है, और अगला फैक्ट इसमें ये हो जाएगा कि ये जो है एक बनी हुई झिल्ली, जिसकी बनी हुई झिल्ली में जो है रखा हुआ होता है जिसमें हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम जो है या हृदय आवरणी बोलते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे हृदय जो है, हृदय जिस झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ होता है, जिस झिल्ली झिल्ली द्वारा घिरा होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हृदय आवरण, क्या बोलते हैं, हृदय आवरण, क्या बोलते हैं, हृदय आवरण के लिए आप क्या रखेंगे, आप अगर मैं यहाँ पर बात करेंगे तो इसके बाद अगला आपको एक चीज और याद रखना है, ठीक है, इसमें एक द्रव भरा होता है, जैसे हृदय आवरण और याद रखना है पेरिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो इस जो है झिल्ली में जो द्रव भरा होगा, ठीक है, इस झिल्ली में द्रव भरा होगा उस द्रव को क्या बोलेंगे, द्रव को बोलते हैं पेरिकार्डियम द्रव, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है, ठीक है, कार्डियम जो है द्रव बोलते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज और याद रखनी है कि ये जो झिल्ली है इसको पेरिकार्डियम झिल्ली बोलते हैं, यानी कि हृदय जो है जिस झिल्ली में गिरा हुआ होता है झिल्ली को पेरिकार्डियम, और उसके अंदर जो द्रव भरा होता है उसको पेरिकार्डियम जो है द्रव कहते हैं। इस द्रव का काम क्या है, हृदय को जो है भारी आघातों से बचाना, भारी आघातों से जो है बचाना जो है क्या होता है, इसका कार्य होता है। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो अगला आपको इसमें याद रखना है, अगला क्या है कि हृदय की अगर हम बात करें तो हृदय में कितने आलिंग होते हैं, कितने जो है लेकिन नीले होते हैं। अगर हृदय की अगर हम संरचना देखें तो यहाँ पर देखिए आप इस तरीके का जो है ये होता है, इसमें अगर हम देखेंगे इसके चार पार्ट होते हैं, ठीक है, ऊपर के जो पार्ट होते हैं वो आलिंद कहलाते हैं, ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करेंगे नीचे के पार्ट की ये नीले कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, नीले। अब अगर मैं यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दाया जो है आलिंद होगा, यहाँ पर बाया जो है क्या होगा आलिंद होगा, यहाँ पर दाया नीले होगा, और यहाँ पर बात करेंगे ये क्या होगा बाया नीले होगा। इस तरीके से जो है क्या होते हैं, चार कोष्ठक होते हैं हृदय में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कितने कोष्ठक होते हैं हृदय में, हृदय में चार कोष्ठक होते हैं, एक होता है आपको ठीक है दाया आलिंद, एक होता है बाया आलिंद, और अगर हम यहाँ पर बात करेंगे एक होता है दाया नीले, एक होता है बाया नीले। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हृदय की बात करें तो हृदय याद रखिएगा एक बार में एक मिनट में जो है कितनी बार धड़कता है, तो एक मिनट में जो है ये धड़कता है 72 बार, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देख लें तो जब बहुत ज्यादा जो है कठिन जो है आप व्यायाम कर रहे हैं तो ये जो है एक मिनट में 180 बार भी जो है धड़क सकता है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर अगर हम बात कर लेंगे अगला आपको एक चीज और याद रखनी है वो ये है कि हृदय की जो धड़कन होती है, ठीक है, वो किस किस चीजों से मिलकर बनती है, तो याद रखिएगा हृदय के कार्य करने की दो अवस्थाएं, ठीक है, हृदय के कार्य करने की हम अवस्थाओं की बात करेंगे तो दो अवस्थाएं जो है इसमें होती है, दो अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। पहली तो अगर हम बात करेंगे पहली अवस्था होती है प्रकुंचन, क्या होती है, ठीक है, प्रकुंचन जो है होती है। और दूसरी अवस्था की अगर हम बात कर ले तो दूसरी अवस्था इसमें कौन सी होती है, ठीक है, दूसरी अवस्था आपको याद रखना है, दूसरी अवस्था होती है प्रकुंचन। यहाँ पर अगर हम देख लें
जिसमें जो दूसरी अवस्था होगी ठीक है उसे बोलते हैं अनुशीतलन, तो अनुशीतलन बोलते हैं। अब ये जो संकुचन और अनुशीतलन दोनों मिलके जो है करती है एक जो है धड़कन बनाती है प्रकुंचन, ठीक है प्रकुंचन। और जब अनुशीतलन ये दोनों जो है अवस्था जब मिलती है किसकी ठीक है हृदय की, तब जाके क्या बनती है एक धड़कन बनती है, ये आपको याद रखना है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो भाई देखो सीधी सी बात है ठीक है, हृदय का काम सिर्फ और सिर्फ जो है रक्त को जो है पंप करना है, इसका कोई और काम नहीं है। जो फालतू की बातें चलती है कि भाई हमारा दिल टूट जाएगा हमारे हो जाएगा कुछ भी टूटता है भाई ठीक है, इसको भी फालतू बदनाम क्या हुआ है गलती दिमाग की ठीक है। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो अलिंद और निलय इसमें एक जो आपकी यहाँ पर दिख रही है ये वाली ठीक है, इनसे क्या होता है आपका जो अशुद्ध रक्त आता है फिर अशुद्ध रक्त यहाँ से पंप जो है किसमें जाता है फेफड़ों में जाता है, वहां पे ऑक्सीजन जो है वहां से मिलती है, फिर वो शुद्ध रक्त जो है इसमें आता है और फिर यहाँ से बॉडी में जाता है। अब अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो इसको जो है थोड़ा सा और मैं डिटेल में इसको बता रहा हूँ इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो आपका जो हृदय है इसमें अगर हम बात कर ले जो मैंने अभी आपको नली दिखाई थी ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इनमें से जो है कौन सा आएगा ठीक है अशुद्ध रक्त आता है, और अशुद्ध रक्त की अगर हम बात करें ठीक है तो ये अशुद्ध रक्त जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा बाएं जो है इसमें अलिंद में आएगा, बाएं अलिंद से सॉरी बाएं अलिंद से आएगा ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये अलिंद से आके फिर जो है किसमें जाता है, ये जाता है फेफड़ों की तरफ ठीक है, पहले नीले में जाएगा नीले से फेफड़ों में जाएगा, फेफड़ों में यहाँ से ऑक्सीजन मिलेगी फिर वापस जो है एसी में जाएगा, इस तरीके से ये पंपिंग जो है रूटीन हृदय का जो है चलता रहता है।